बांदा जनपद की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत खपटीहा कला में संस्थान की घोर लापरवाही सामने आई है। जहां एक ओर खपटीहा कला में पानी की सप्लाई ठप है, वहीं पंप चलाने के लिए जो ऑपरेटर हैं वे वेतन तो सरकार से लेते हैं लेकिन नौकरी हैदराबाद में कर रहा है। पंप ऑपरेटर के परिवार ने पूरे परिसर सहित बने आवास को पशुबाड़ा बना रखा है। पूरा मामला बांदा के खपटीहा कला गाँव में बनी जल संस्थान की टंकी परिसर का है, जहां पंप चलाने के लिए दो ऑपरेटर नियुक्त हैं, जिनमें से एक ऑपरेटर मुनव्वर अली पिछले कई महीनों से हैदराबाद में नौकरी कर रहा है लेकिन वेतन बराबर ले रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मुनव्वर की जगह उसका बेटा यहां रात में रहता है और अपने जानवर भी यहीं बांधता है। शाम होते ही शराबियों का यहाँ जमघट लग जाता है। परिसर में जगह जगह दर्जनों शराब की खाली बोतलें पड़ी नजर आती हैं। कहाँ के रहने वाले पंडित चंद्रशेखर कपड़िया कला। जी, ये बताइए कि यहाँ पानी की स्थिति क्या है? पानी छोड़ो जहाँ थे मगर पूरे गाँव पक चुके हैं पानी। अगर यहाँ बात करें इस जल संस्थान के, इस टंकी के, और यहाँ मकान बने हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी शराब की बोतलें और गिलास पड़े हुए हैं। ये सब किया जाएगा तो बोतलें तो पड़ी रहेगी, क्यों ना पड़ी रहेगी। ये तो बिल्कुल खुला दरवाजा है, चाहे जो कोई आए चाहे जो कुछ हो। यहाँ लोग रहते भी हैं, कंडा अंडा भरा है, भूसा भरा है अंदर, व्यापार हो थे उनका काम चलो थे। लेकिन ऑपरेटर तो यहाँ रहता नहीं है, उसके बच्चे बराते हैं यहाँ पे। ये तो कत्ता चलो को हुई ये नहीं बता सकते हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।